दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। स्पेशल स्टाफ उत्तर पश्चिम जिला एवं पुलिस स्टेशन मौर्य एनक्लेव की जॉइंट टीमों ने पीतमपुरा में दिन दहाड़े हुई डकैती मामले को सुलझाते हुए 5 डकैतों समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 4 साजिशकर्ता हैं। डकैतों की पहचान किरारी सुलेमान नगर निवासी रजत, संतोष, दीपक, परवेज और समीर के रूप में हुई है, जबकि साजिशकर्ताओं की पहचान प्रेमनगर निवासी जफर, राकेश किरारी सुलेमान नगर निवासी विकास और सुमित के रूप में हुई है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से लूटे गए 30 लाख रुपए वारदात में इस्तेमाल की गई 2 मोटरसाइकिल, 4 बटन वाले चाकू, 1 देसी पिस्टल के साथ 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। जिला पुलिस उपायुक्त उषा रंगनानी ने बताया कि 5 जुलाई को पीड़ित परवीन जैन पुत्र स्वर्गीय रोशन लाल जैन के बयान पर FIR संख्या 646/21 अंडर सेक्शन 392/397/34 IPC के तहत डकैती का मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में बताया कि उसका चावल का कारोबार है। दिनांक 5 जुलाई को वो अपने 2 स्टाफ राजेश और विपिन के साथ अपने कार्यालय WP ब्लॉक मकान नंबर 239 पीतमपुरा में थे। दोपहर करीब 2:30 बजे 4 अज्ञात व्यक्ति चावल का सैंपल देखने के बहाने उसके कार्यालय में घुस गए और फिर पिस्टल व चाकुओं की नोक पर सभी को बंधक बनाकर कार्यालय में रखे 40,68,000 रुपए और मोबाइल फोन लूटकर 2 मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई डकैती की वारदात को सुलझाने और इसमें शामिल क्रिमिनलों को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए सुरेश कौशिक ACP सुभाष प्लेस की सुपरविजन में उत्तर पश्चिम जिले के स्पेशल स्टाफ और पुलिस थाना मौर्य एनक्लेव सहित कई जॉइंट टीमों का गठन किया गया। स्पेशल स्टाफ की टीम में इंस्पेक्टर अमित कुमार के नेतृत्व में SI हिमांशु, SI कुलदीप, SI यशपाल, ASI महेंद्र, हेड कांस्टेबल नारसी, हेड कांस्टेबल देवेंद्र, हेड कांस्टेबल नीरज, कांस्टेबल सोमवीर, कांस्टेबल अंकुश, कांस्टेबल प्रदीप, कांस्टेबल भोलू, कांस्टेबल मंजीत और कांस्टेबल सतीश को शामिल किया गया। दूसरी टीम में पुलिस स्टेशन मौर्य एनक्लेव SHO मुकेश कुमार के नेतृत्व में SI सनी, SI दीपक, हेड कांस्टेबल पवन, हेड कांस्टेबल अमित, कांस्टेबल जयदीप, कांस्टेबल अनिल, कांस्टेबल सोनू, कांस्टेबल प्रदीप और कांस्टेबल विजय को शामिल किया गया। जांच टीम ने वारदात स्थल और उसके आसपास लगे कैमरों के CCTV फुटेज को खंगाला। CCTV फुटेज में 5 व्यक्ति हेलमेट पहने 2 मोटरसाइकिलों पर वारदात स्थल पर आते दिखाई दिए और यही व्यक्ति वारदात को अंजाम देकर हाथों में 2-3 बैग लेकर मोटरसाइकिलों पर भागते हुए दिखाई दिए। क्रिमिनल वारदात करके जिस रूट से भागे थे, जांच टीम ने उस रूट पर लगे CCTV कैमरों को खंगालना शुरू किया। लगभग 250-300 कैमरों को खंगलाने के बाद जांच टीम को पता चला कि क्रिमिनल वारदात को अंजाम देने के लिए किरारी सुलेमान नगर की ओर से आए थे। वारदात वाले रूट्स पर लगे सैकड़ों CCTV कैमरों की फुटेज खंगालना एक कठिन काम था, लेकिन फिर भी जांच टीमों ने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार जांच टीमों को सफलता हाथ लग ही गई। क्रिमिनलों द्वारा वारदात में इस्तेमाल की गई हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन नंबर DL4SDF1261 और DL4SCS3968 को 0 पॉइंट किया गया। सस्पेक्ट बाइक की पहचान होते ही पुलिस ने किरारी सुलेमान नगर में मुखबिरों का जाल बिछा दिया। मुखबिरों से मिली इन्फॉर्मेशन के आधार पर एक आरोपी विकास उर्फ विक्की पुत्र इंदर देव मकान नंबर B395 इंदर एनक्लेव फेज 2 किरारी सुलेमान नगर को वारदात में इस्तेमाल स्प्लेंडर मोटरसाइकिल नंबर DL4SDF1261 के साथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी विकास के कहने पर दूसरे आरोपी सुमित उर्फ पुत्र रामचंद्र मकान नंबर C339 इंदर एनक्लेव फेज 2 किरारी सुलेमान नगर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार सुमित से वारदात में इस्तेमाल उसकी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल नंबर DL4SCS3968 को भी उसके कब्जे से बरामद कर लिया गया। कड़ी पूछताछ में दोनों आरोपियों ने खुलासा किया कि किरारी सुलेमान निवासी अपने दोस्तों रजत उर्फ करण गौर, दीपक, संतोष, परवेज और समीर को इस वारदात के लिए अपनी अपनी मोटरसाइकिल्स प्रोवाइडेड कराई थी। लूटी गई राशि में इनको भी हिस्सा मिला था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से लूटी गई रकम में से इनको मिला हिस्सा 50,000 और 80,000 इनके पास से बरामद कर लिया।
जांच टीमों ने डकैती के मेन अक्यूज्ड रजत उर्फ करण गौर, दीपक, संतोष, परवेज और समीर को पकड़ने के लिए छापेमारी शुरू कर दी। सभी आरोपी अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली छोड़कर भाग गए। फरार सभी आरोपियों पर टेक्निकल सर्वेलेंस से नजर रखी जाने लगी, लेकिन सभी आरोपी टेक्निकल सर्वेलेंस से बचने के लिए पूरी सावधानी बरत रहे थे। पुलिस और क्रिमिनलों के बीच लुका छुपी का खेल काफी लंबा चला, लेकिन अपराधी पुलिस की नजर से बच नहीं सके। 24 जुलाई को टेक्निकल सर्वेलेंस के साथ साथ मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर दिल्ली में एक ठिकाने में छिपे सभी पांचों आरोपियों रजत उर्फ करण गौर, दीपक, संतोष, परवेज और समीर को दबोच लिया गया। इंटेरोगेशन में आरोपियों ने बताया कि कंप्लेनेंट के बिजनेस एसोसिएट विश्राम चौक विजय विहार निवासी दीपक गोयल के ऑफिस में काम करने वाले दो एम्प्लॉइज जफर और राकेश ने इस डकैती की उन्हें टिप दी थी। जफर और राकेश को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पूछताछ में आरोपी जफर और राकेश ने बताया कि उन्हें शिकायतकर्ता के कार्यालय में भारी नकदी की मौजूदगी का पता था और उन्होंने रजत उर्फ गौर, दीपक, संतोष, परवेज और समीर के साथ मिलकर इस अपराध को अंजाम देने की साजिश रची। जफर और राकेश ने ही डकैती की पूरी योजनाएं बनाई थी और इस डकैती को अंजाम देने के लिए रजत उर्फ गौर, दीपक, संतोष, परवेज और समीर को भागने के सभी स्थान और रास्ते दिखाए थे। पूछताछ में बदमाशों ने बताया कि डकैती के बाद सभी ने आपस में पैसे बांटे और फिर पुलिस से बचने के लिए सभी ने दिल्ली छोड़ दिया। दिल्ली छोड़ने के बाद सभी पहले जम्मू के पत्नीटॉप पहुंचे। वहां 3-4 दिन रहने के बाद सभी लखनऊ आ गए। वहां 5-6 दिन रहने के बाद सभी नेपाल चले गए। नेपाल में 5-6 दिन रहने के बाद सभी वापस दिल्ली आ गए। दिल्ली पहुंचते ही पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। इंटेरोगेशन दौरान लूटी गई राशि में से आरोपी रजत उर्फ करण गौर से 5 लाख रुपए, आरोपी संतोष से 5 लाख रुपए, आरोपी दीपक से 4 लाख रुपए, आरोपी परवेज सिद्दी से 5 लाख रुपए, आरोपी समीर से 4 लाख रुपए, आरोपी जफर से 3 लाख रुपए और राकेश से 2,07,000 रुपए सभी से अलग अलग से इनके कब्जे से बरामद किए गए हैं। कुल 30 लाख रुपए लूटे गए नकद इनसे बरामद कर लिए गए। वारदात में इस्तेमाल की गई 2 मोटरसाइकिल, 4 बटन वाला चाकू और 1 देसी पिस्टल के साथ 2 जिंदा कारतूस भी इनसे बरामद हुए हैं। सभी आरोपी व्यक्ति निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते हैं। अपने लालच के कारण क्रिमिनल एक्टिविटीज में लिप्त हो गए और आसानी से पैसा पाने के लिए एक गिरोह बना लिया। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।